नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अगस्त सोमवार सुबह 11 बजे राजस्थान की खास खबरें। इस वर्ष में चल रहे सावन के महीने के अंतिम सोमवार को आज शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। लगभग सभी शिव मंदिरों में भक्तों ने शिवलिंग पर जल, फल, फूल, दूध चढ़ा पूजा अर्चना की। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय बाबा शुकरनाथ की बगीचे में आज भक्तों की भारी भीड़ रही। प्रातः से ही भक्तों का यहाँ तांता लगना शुरू हो गया। आरती के पश्चात भक्तों ने शिवलिंग पर जल, फल, फूल चढ़ा पूजा अर्चना की। समाचार देखे जाने तक शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का भी विशेष ध्यान रखते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई गई। हनुमानगढ़ के गांव परलिका के बस स्टैंड के पास कार और रोडवेज बस में बीच भीषण भिड़त में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले चारों कार में सवार थे। कार में 5 सवारियां थी, एक की हालत गंभीर है। उन्हें नौरक के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। कार से भिड़ने के बाद बस कार पर ही पलट गई। दोनों वाहन पास के खाली प्लॉट की दीवार तोड़ते हुए जा गिरे। जेसीबी की मदद से कार में सवार लोगों को निकाला गया। पुलिस ने बताया कि भादरा की तरफ से आ रही राजस्थान रोडवेज की बस को परलिका बस स्टैंड पर रुकना था। बस स्टैंड के करीब 200 मीटर पहले सामने से आ रही ऊंट गाड़ी को बस ने ओवरटेक किया। इसी दौरान ऊंट गाड़ी के पीछे आ रही तेज रफ्तार कार से बस भिड़ गई। हादसे के समय बस में करीब 35 सवारियां थी। हालांकि एक घायल की जेब से मिले आधार कार्ड में हरियाणा के फतेहाबाद इलाके के गांव भौड़ी का पता है। पुलिस इस आधार कार्ड के आधार पर फिलहाल मृतकों के परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हादसे में घायल व्यक्ति अभी कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विकास अधिकारी फिरोज खान और कोटड़ा राणगा ग्राम सचिव मलजीत धानावा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायतों में हुए निर्माण कामों की जांच नहीं करने की एवज में इन्होंने 2,85,000 रुपये मांगे थे। एसीबी ने दोनों आरोपियों के कब्जे से रिश्वत के 50,000 रुपये भी बरामद किए। बांसवाड़ा व उदयपुर एसीबी ने कुशलगढ़ पंचायत समिति परिसर में बीडीओ के सरकारी आवास पर ये कार्रवाई की। एसीबी की एसपी माधो सिंह सोडा ने बताया कि कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोहारिया बड़ा सातलिया व रामगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 95 लाख रुपए लागत में से कार्य हुआ है। काम की कमियां नहीं निकालने की एवज में बीडीओ फिरोज खान ने लागत का 3% कमीशन मांगा था। सत्यापन के दौरान बीडीओ की ओर से 50,000 रुपए पूर्व में लिए जाने की पुष्टि हुई। बकाया कमीशन राशि के 50,000 रुपए लेते हुए एसीबी ने उसे धर दबोचा। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र के रियाबड़ी के ग्राम जाटाबास में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के गस्तिंगपुर थाना क्षेत्र के राधास्वामी सत्संग डेरा के पास रिटायर्ड अध्यापक से लूट होने की जानकारी सामने आई है। यह लूट की वारदात मास्टर बलजीत सिंह के साथ हुई। लुटेरों ने अध्यापक से 2 मोबाइल व जेब में रखी नकदी लूट ली। इस लूट की वारदात को बाइक सवार 3 युवकों ने अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जोधपुर जिले के राजीव गांधी थाना क्षेत्र के कायलाना झील में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के श्रमिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि शव पुराना होने के कारण सड़ चुका था। बताने की इससे एक दिन पहले ही युवक युवती ने झील में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चूरू जिले के सरदारशेर थाना क्षेत्र के अमरसर गांव में पत्नी द्वारा पति के साथ निर्दया पूर्वक घिनौना कृत्य करने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ने पति को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर अचेत कर दिया, फिर पति के पैर बांधकर करंट से झटके लगाए। करंट से पीड़ित महेंद्र दान के पैर जल गए। झुलसी अवस्था में पति को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी सुमन के खिलाफ जान से मारने के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। भीलवाड़ा जिले की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बहुचर्चित बीसी गबन मामले में आरोपी संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लाखों रुपए की चपत लगाई थी। बीसी संचालक घेवरचंद तिवारी को गुलाबपुरा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार घेवरचंद पर बीसी के नाम पर 20 लाख रुपए ले भागने का आरोप है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने 66 ASI, 83 हेड कांस्टेबल व 214 कांस्टेबलों के तबादले किए हैं। बता दें कि कई दिनों से यह तबादला सूची बनाई जा रही थी और कई पुलिस कर्मियों को लंबे समय से इस सूची का इंतजार था।
अजमेर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार निगम ने सूचना केंद्र के नजदीक 14 दुकानों को सीज किया है। इस दौरान निगम के अधिकारी व पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। निगम ने पूरा में 14 दुकानों को नोटिस दिए थे। शिक्षण संस्था की जमीन पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। यह मामला कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय ने मामले में नगर निगम के पिटीशन दिया, जिसके बाद निगम ने दुकानों को सीज कर दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.